भाई जब हम लोग आए थे मंदिर और इन लोगों को मिल गई है फ्री में पतंग, और एक गिट्टा भी मिल गया, गिट्टा भी मिल गया है ना। हां बता दिया गाइस, फ्री मिल चुकी है पतंग, बट रही थी इसलिए बुलाया था। मैंने इसको इसीलिए बुलाया, जल्दी मैंने कहा इधर आ जल्दी, मंदिर में दर्शन करे आया हूँ। अब दारा ही गए दर्शन करे। तो भाई साहब घर पे आ चुके मंदिर से, और यहाँ पर हम खा रहे हैं मंगोड़ी। बोल तूने पूछा मुझसे कैसा खा ली तूने? नंबर कुछ भी अच्छी लग रहा हूँ मैं मस्त। अभी इनको खाते हैं और फिर गाइस आज है मकर संक्रांति, और मेरी तरफ से सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी चलते हैं ऊपर छत पे, पतंग उड़ा रही है, बढ़िया पतंग उड़ाती हैं, जबरदस्त उड़ा रहा है। जो भाई ये पतंग उड़ा रहा है, कहाँ है पतंग? यहीं तो है, कौन उड़ाई? रुक अब मैं उड़ाऊँ, रुक अब इसमें चार इसमें फ्री वाली मंदिर में बट रही थी। तो अभी मैं उड़ाता हूँ इसको। तो भाई ये पतंग तो उड़ नहीं रही इसकी, क्योंकि ये जोते सही नहीं डाले इस वर्धन ने। जो क्या पता जोते सही नहीं है कि पतंग गड़बड़ है, वो दूसरी पतंग लेने गया आज इस वर्धन, वो वाली उड़वाएंगे दूसरी पतंग, ये आ चुकी है। अब जो उड़ा के देखते हैं उड़ेगी क्या पता। देखो जी इसकी मोटी डंडी है यार, बीच वाली है मोटी। उसकी भी मोटी है, उसकी थोड़ी पतली है डंडी। क्या पता उड़ेगी क्या, देखते हैं जो उड़ेगी। जो उड़ेगी देखते हैं, इसमें जूते डालते हैं पहले। तो आज दूसरी पतंग भी नहीं उड़ा रही, वो डाली है वो नीचे, उठा इसको। अब देखो इस बार दान उड़ाया, मैं तो नहीं उड़ा रहा, मैं तो भाई थक गया, उड़ा के उड़ी नहीं रही वो, कब तक उड़ाएंगे। ये वाली पतंग उड़ी नहीं है, वो भी नहीं उड़ी, ये वाली उड़ाएगा क्या? चलो जी उड़ाएगा वो। उसमें एक डिफॉल्ट हुआ है गाइस, हमसे एक गलती हुई बता ना यहाँ पर गाइस, मतलब देखो गाइस ये मैं ये कर रहा था ना इधर छेदे इनमें, तो यहाँ पर ये लग गई माचिस लग गई, अरे यार धागा हो गया, तो जल गई है वो ऊपर से, इसलिए नहीं उड़ा रही। तो अब ये वाली उड़ा रहा है, भर्रा उड़ाएगा इधर हमारे, हम बिना पूछ के उड़ाते हैं उसे भर्रा बोलते हैं, बिना पूछ के पता उड़ाते हैं उसको भर्रा बोलते हैं। देखते हैं उड़ाता है कैसे उड़ाएगा, और उड़ रही है अभी तो कोई भी नहीं उड़ा रहा गाइस, क्योंकि घाम है ना, घाम के कारण नहीं उड़ा, धूप ज़्यादा हो रही है ना इसलिए नहीं उड़ा रहा है। शाम को बहुत उड़ेंगी देखो, घाम में इसलिए नहीं उड़ा रहा क्योंकि धूप पड़ रही है और हवा भी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है अभी। तो गाइस आ चुके हैं नीचे, और पतंग तो अब हमने उड़ाई नहीं क्योंकि धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा, घाम लग रहा था, और अभी हवा भी नहीं चल रही। तो अभी थोड़ा मुझे जाना है इधर मार्केट तरफ, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर आके ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और अभी टाइम कितना हुआ, 2-3 बज रहे होंगे गाइस, तो अब मैं आऊँगा 4-4:30 बजे तक, तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अकेले मतलब तू चल रहा है? तो गाइस जब जा रहा है जबरदस्त, साथ में लग जाता है गाइस, तुझे कैसे ले जाएंगे? तो आज मार्केट से तो आ चुकी है, आज मैंने बहुत कम ब्लॉग कर पाया, आज तो मैंने दिन भर भी ब्लॉग नहीं किया। देखते हैं आगे कुछ अगर ऐसा हुआ तो बताते हैं ब्लॉग में, और वैसे तो ब्लॉग छूटा ही रहेगा आज का, क्योंकि छत पे पतंग उड़ाई थी आज पतंग, और फिर मैं मार्केट चला गया फिर उड़ा नहीं पाई। अब कल देखेंगे पतंग वतंग उड़ाएंगे ठीक है, नहीं तो नहीं उड़ा रहा है। और अब मार्केट जाने की सोच रहा था मैं दोबारा, लेकिन अब देखते हैं। एंड गाइस लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि टेकरी धाम जाएंगे, लेकिन टेकरी धाम नहीं जा पाए, हमारा प्लान कैंसिल हुआ है, तो अब देखेंगे अब कब जा पाएंगे, कब उनका बुलावा आएगा भगवान का। तो आज तो नहीं जा पाए, प्लान कैंसिल ही हुआ है आज का, तो देखेंगे जब भी जाएंगे। और आज ब्लॉग बहुत कम कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट चला गया था और थोड़ा काम था मुझे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ी नोटबुक वगैरह भी कम्प्लीट करनी थी, इसलिए मैं नोटबुक कम्प्लीट कर रहा था, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया। एंड अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं ऐसे ही कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।